हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या मैंने चुछ तो इस बार हम फिर से खेलने चले माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने एक ट्री हाउस बनाया था। मेरे पीछे जो ट्री हाउस देख रहे हो ना, उस ट्री हाउस को मैंने बनाया था। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो इस एपिसोड में हम लोग एक ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं, विलेजर ट्रेडिंग हॉल। सो इसको बनाने के लिए हमें काफी सारे वुडन की चाहिए। सो फाइनली देखो इस जगह पे मैंने जो ट्री हाउस बनाया था, सो फाइनली देखो फाइनली इस जगह से मुझे बनाना है। फाइनली मैं क्राफ्टिंग टेबल के पास जाता हूँ, और क्राफ्टिंग टेबल के पास जाने के बाद इस जगह से मैं एक्स को क्राफ्ट करने के बाद थोड़े बहुत वुड को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो इस जगह पे मैंने थोड़े बहुत वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। देखो इस जगह से भी ले लेता हूँ, मतलब जो ट्री है ट्री से मुझे इस वुडन को कलेक्ट कर लेना है। सो फाइनली पूरे जगह पे मैं वुडन को कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और भाई जिन लोग चैनल पे नए हो भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चैनल डाउन हो रहा है भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो भाई, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में मुझे मोटिवेट मिलेगा वीडियो बनाने में। तो फाइनली देखो ऊपर जो स्लैब है, मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मुझे पूरे जगह से हटा देना है, मतलब जो ट्री स्लैपलिंग है मुझे स्लैपलिंग को कलेक्ट करना है। फाइनली मैं थोड़े बहुत मेरे हाउस में आने के बाद थोड़े बहुत स्टोन और थोड़े बहुत स्लैब को ले लेता हूँ, और थोड़े बहुत डोर को भी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास डोर हैं, स्लैब हैं, और इस जगह से फाइनली मैं ले लेता हूँ। और इसको लेने के बाद आप मुझे जाना है। देखो इस जगह से भी मैं टॉर्चेस को ले लेता हूँ। टॉर्चेस को लेने के बाद रात भी हो जाते हैं, मैं जल्दी सो जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, फाइनली सुबह हो चुका है, और सुबह होने के बाद आप डोर को ओपन करता हूँ, और जैसे मैं बाहर जाता हूँ भाई, देखो इस जगह पे क्रीपर आ जाते हैं। सो क्रीपर को मैं बहुत से मार देता हूँ, ठीक है। फाइनली क्रीपर को मारने के बाद मुझे थोड़े बहुत एक्सपी भी मिल चुके हैं, और देखो फाइनली इस जगह पे एक स्केलेटन है, तो स्केलेटन को मैं मार स्वागत तो करो हमारा। ले भाई मार ले, ले ले मार ले भाई, मैं पीछे मारने के लिए जाता हूँ, और फाइनली मैं स्केलेटन को भी मारता हूँ, ठीक है। सो फाइनली इस जगह पे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं जो मोमसी है, मैंने उन लोगों को मार दिया था एरो। सो फाइनली उन लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। फाइनली मेरा काफ़ी सारे डैमेज डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब हार्ट बहुत कम हो चुका है। सो फाइनली इस जगह से मैं ब्रेड को लेता हूँ, और ब्रेड को जल्दी खा लेता हूँ, ठीक है। तो फाइनली इस जगह पे देखो, फाइनली देखो इस जगह पे जो मैंने इस जगह से जो बोन मिल है, तो बोन मिल को कलेक्ट कर लेता हूँ, और बोन मिल को कलेक्ट करने के बाद आप मुझे इस जगह पे मेरा जो हाउस है ना, तो उस हाउस को मुझे कंप्लीट करना है। मैंने बोला था कि मैं ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा भाई, इस जगह पे मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैंने 3 वुडन प्रिंक लगा दिया और स्टोन लगा दिया, और यहाँ पर 3 स्टोन, मतलब पूरे जगह पे लगा देना है, ठीक है। सो मैंने इस जगह पर भी लगा देता हूँ 3 जो वुडन प्रिंक है मैंने उसको लगा देता हूँ, और यहाँ पर 3 स्टोन लगा देता हूँ इस साइड से 3 स्टोन, फिर से वुडन प्रिंक लगा देता हूँ, मतलब जो वुड है मैं वुड को लगा देता हूँ, और यहाँ पर फिर से 3 स्टोन लगा देता हूँ, और यहाँ पर फिर से लगा देता हूँ वुडन, इसको लगा देता हूँ, और इसको लगा देने के बाद पूरे जगह पे फिर से कॉबल स्टोन लगा देना है। कॉबल स्टोन लगा देने के बाद यहाँ पर भी लगा देना है इसको, और फाइनली फिर से कॉपर स्टोन, मतलब एक एक करके पूरे जगह पे लगा देना है, और यहाँ पर फाइनली जो लुक आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। और देखो मेरे पास पिकेक्स है, तो पिकेक्स से मैं ट्री काट लेता हूँ, बहुत सारे ट्री काट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्री की बहुत ज़रूरत है भाई। मेरे पास फाइनली 8 ट्री हो चुके हैं, और देखो इस जगह पे मुझे फिर से कॉपर स्टोन को लगा देना है, कॉपर स्टोन को लगा देना है 3, यहाँ पर 3 ट्री लगा देना है, पर 3 ट्री ब्लॉक लगा देना है, ठीक है। सो फाइनली इस जगह पे मुझे ब्लॉक को लगा देता हूँ, तो इस जगह पे मुझे वुडन कॉबल स्टोन लगा देना है, 2 कॉबल स्टोन लगा देने के बाद इस जगह से मुझे फिर से वुडन प्रिंक लगा देना है, और वुडन प्रिंक लगा देने के बाद फाइनली जो लुक आ रहा है बहुत अच्छे आ रहा है भाई। सो देखो सामने एक विलेज आ रहे हैं, तो इसके पास जाता हूँ मैं ट्रेडिंग करने के लिए, और देखो फाइनली एक एम्ब्रेल से मुझे फ्लावर देगा। तेरी ऐसी की तस्वीर, रुक जा मैं निकलता हूँ तुझे बहुत से मार दूंगा, रुक जा बहुत से मार दूंगा भाई। उसको मारने के लिए जा रहा हूँ, मेरा जो शिप है शिप मार रहा है, फाइनली इसको मार देता हूँ, और फाइनली देखो यहाँ पर हॉर्स हैं, तो हॉर्स को भी मारना है, इसको मार देता हूँ भाई। रुक जाओ, इस विलेजर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फाइनली मुझे थू मार कर रहा है भाई, भाई
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये भाई मुझे थू मार रहा है, रुक जाओ इसको तेरी ऐसी की तस्वीर रुक जा भाई इतनी भाई इसको तो मारने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा जो शिप है उन लोग मर जा रहे हैं भाई। सो फाइनली मैं जाता हूँ, देखो फाइनली आ रहे यार इसको तो हेड शॉट ही मारूंगा, रुक जाओ। अबे भाई मैं तो मेरा जो शिप है शिप को मार रहा हूँ, इसको तो नहीं मार रहा हूँ शिप को मार रहा हूँ ठीक है। सो फाइनली आइटम कलेक्ट करने के बाद तेरी ऐसी की तस्वीर रुक जाओ। फाइनली मैं विलेज इस ट्रेडर को मार देता हूँ और इस ट्रेडर को मारने के बाद फाइनली डोर को ओपन करता हूँ। सो फाइनली डोर को मैं इस जगह से बाहर जाके बंद कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो मेरा जो शिप है शिप बाहर निकल जाएगा। फाइनली अब मुझे ऐसे सीट्स लेना है, सीट्स लेने के बाद पूरा जगह पे जो मेरा शिप है जो काउ है उन लोगों को थोड़े बहुत फीड खावा देना है क्योंकि उन लोग खाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा होएगा तो बादशाह देगा, बादशाह देने के बाद हम लोग बहुत सारे शिप पाल सकते हैं। और देखो इस जगह पे जो काउ है डोर को बंद कर देता हूँ इन लोगों को इस जगह पे रहने के बाद पूरे जगह पे मैं डोर को बंद कर देता हूँ। और डोर को बंद करने के बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरा हाउस के पास। और हाउस के पास आने के बाद यहाँ पर जो सैपलिंग लगा देता हूँ, एक ट्री को कलेक्ट करने के बाद सैपलिंग को लगा देता हूँ। सो फाइनली मेरे पास जो ट्री ब्लॉक है इसको यहाँ पर लगा देना है भाई, इसको इस जगह पर एक एक करके लगा देना है। सो फाइनली मैं इस जगह पर 3 ब्लॉक लगा देता हूँ ठीक है, जो 3 ब्लॉक लगा दिया। और इस जगह से आप मुझे लेना है स्टोन, कॉपर स्टोन लेना है और कॉपर स्टोन को पूरे जगह पे लगा देना है। सो फाइनली पूरे जगह इस जगह से मुझे फिर से कॉपर स्टोन लगा देना है। फाइनली सिक्स कॉपर स्टोन मैंने लगा दिया। और इस जगह से मुझे जो मेरा डायमंड की पिकेक्स है पिकेक्स से मैं इसको तोड़ देता हूँ। फाइनली इसको तोड़ने के बाद अब मेरा जो हाउस है बन कर रेडी हो चुका है डोर लगाने के बाद। और देखो इस जगह पे मैंने एक गलती कर गया क्योंकि इस जगह से मैंने बाहर जो वुडन प्लैंक है मैंने बाहर लगा दिया। सो फाइनली इसको मैं लगाता हूँ और मेरे पास जो वुडन प्लैंक है इसको फिर से ऊपर से लगा देना है। और मिलते हूँ ऊपर से लगाने के बाद ठीक है। काफ़ी देर वुडन प्लैंक लगा देने के बाद मेरे जो मेरा ट्री हाउस है ट्री हाउस जंगल की तरह दिख रहा है भाई, जंगल बायोम है ना माइनक्राफ्ट में जो जंगल बायोम है उसकी तरह दिख रहे हैं। सो फाइनली मैं ट्री हाउस के ऊपर आ जाता हूँ और बेड में जाकर सो जाता हूँ फाइनली। और सोने के बाद फाइनली मैं उठ जाता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, भाई सब्सक्राइब कर देना। एक सब्सक्राइब करने में तुम लोगों का कुछ नहीं देने पड़ता है ठीक है। नीचे जो लाल लाल बाइक है ना उसको दबा दो भाई, उसको दबा दो, मुझे कुछ नहीं पता उसको दबा दो। सो फाइनली देखो इस जगह पे मुझे वुडन प्लैंक वुडन स्लैब लगा देना है भाई, इसको तोड़ना है, डूब जाओ। इसको तोड़ने के बाद मुझे एक एक करके वुडन प्लैंक लगा देना है, ऑक्सटिक प्लैंक लगा देना है ठीक है। तो इसको मैं फिर से तोड़ लेता हूँ और इसको तोड़ने के बाद पूरा जगह पे मैं लगा देता हूँ ठीक है। पूरा जगह पे लगा देने के बाद मिलते हूँ तुम लोगों के साथ। फाइनली पूरे जगह पे मैंने वुडन प्लैंक को लगा दिया। सो वुडन प्लैंक को लगा देने के बाद देखो भाई इस जगह पे मौमाछी आ रहा है भाई, इसको तो मैं फ्रेंड बना हुआ। रुक जाओ, मेरे पास एप्पल है तो मेरे पास फ्लावर है, फ्लावर को इन लोगों को खावा देता हूँ, फूड को खावा देता हूँ भाई। कितने प्यारे दिख रहा है भाई, मासूम लग रहा है इन लोगों को, बहुत अच्छे दिख रहे हैं भाई। फाइनली मैं इन लोगों को फीड खावा देता हूँ और फीड खाने के बाद इन लोग मेरा फ्रेंड भी हो चुके हैं। थोड़े बहुत मैं भी खा लेता हूँ, एप्पल खा लेता हूँ थोड़े बहुत। और देखो इस जगह पे मुझे इसको फाइबर को निकल देना है, जो पूरे जगह पे मुझे फाइबर को निकल देना है। और फाइनली पूरे जगह पे फाइबर को निकाल देने के बाद पूरे जगह पे मैं फाइबर को निकाल देता हूँ। सो फाइबर को निकाल देने के बाद आप मुझे जाना है मेरा हाउस में। सो फाइनली मेरा हाउस में आने के बाद ऐसे पेंटिंग बना लेता हूँ और ऐसे बेड बना लेता हूँ, चेस्ट बना लेता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद थोड़े बहुत ग्लास भी बना लेता हूँ।
और इस जगह पे पूरे जगह पे मुझे कॉबलस्टोन को लगा देना है। देखो यहाँ पर मैं स्लैब को लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉबलस्टोन नहीं है, तो कॉबलस्टोन स्लैब को लगा देता हूँ पूरे जगह पे। सो फाइनली पूरे जगह पे मुझे कॉबलस्टोन स्लैब को लगा देना है और इस जगह पर मुझे ग्लास को लगा देना है। सो फाइनली इस जगह पर ग्लास को लगा देने है और फाइनली मेरे पास काफ़ी सारे ग्लास मैंने क्राफ्ट करके लेकर आया था क्राफ्टिंग टेबल से। सो फाइनली इस जगह पे मैंने जो क्राफ्टिंग टेबल से मैंने ग्लास को क्राफ्ट करके लेकर आया था उसको मैंने इस विंडो पर लगा देना है, ठीक है। तो फाइनली पूरे जो विंडो है पूरे जगह पे मुझे लगा देना है, फाइनली इस विंडो पे लगा देना है। और देखो सामने दो विंडो है, इस जगह पर भी लगा देने हैं। सो फाइनली मेरा जो ट्रेडिंग हॉल है वो बनकर रेडी हो चुका है फाइनली। अब मुझे पीछे से कॉबलस्टोन को लगा देने हैं। देखो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे कॉबलस्टोन स्लैब है, तो मुझे स्टोन माइनिंग भी करना है। तो फाइनली यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, स्टोन माइनिंग करता हूँ। थोड़े बहुत स्टोन माइनिंग करने के बाद फिर से मैं जाता हूँ मेरे हाउस में, मतलब जो मेरा ट्रेडिंग हॉल है उस जगह पे जाने के बाद मैं कॉबलस्टोन लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉक हैं, तो फाइनली मेरे पास काफ़ी सारे ब्लॉक हैं। फाइनली देखो पीछे से मुझे लगा देने हैं, मेरा जो हाउस है ना लुक बहुत अच्छे आ रहा है। सो इस जगह से मैं लगा देता हूँ, देखो एक एक करके मैं कॉबलस्टोन को लगा देता हूँ। सो इस जगह पर भी लगा देना है, पूरे जगह पे लगा देना है, जो जगह में ना विंडो है उस जगह पे लगा देना है। और देखो इस जगह से भी मुझे लगा देना है। ऑल राइट, फाइनली जो मेरा ट्रेडिंग हॉल है बनकर रेडी हो चुका है। तो 1 2 3 फाइनली देखो मेरा जो ट्रेडिंग हॉल मैंने बनकर रेडी कर चुका हूँ। अब मुझे ऐसे थोड़ी वुडन प्रिंक्स स्लैब बना लेना है और एक स्टोन स्लैब बना लेना है। फाइनली बेड भी बना लेता हूँ, मेरे पास बेड भी है, क्राफ्टिंग टेबल भी है। सो देखो यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल को रखना है और यहाँ पर मुझे स्लैब को लगा देना है। देखो पूरी जगह पे मैं स्लैब को लगा देता हूँ, देखो इस जगह पे मुझे पूरे जगह पे स्लैब को लगा देना है। सो प्लीज़ 2 मिनट मैंने पूरे जगह पे स्लैब को लगा देता हूँ। ऑलराइट, फाइनली मैं फिर से थोड़े बहुत स्लैब क्राफ्ट करने के बाद सीधा सो जाता हूँ और सोने के बाद मैं फिर से उठ जाता हूँ मेरे ट्री हाउस के बगल में जाने के बाद। टीफर इस जगह पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। फाइनली मैं इसको एरो से मार रहा हूँ, बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। सो फाइनली उसको मैं मार देता हूँ और मारने के बाद अब मुझे जाना है मेरा जो ट्रेडिंग हॉल हाउस है इसके पास। जाने के बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पर कारपेट को लगा देना है, यहाँ पर एक लगाना है, इस जगह पर एक भाई पूरा एक, मतलब जो बेड है ना बेड की साइज हिसाब से मुझे लगा देना है, पूरे जगह पे लगा देना है, ठीक है। सो यहाँ पर भी लगाता हूँ, इसको तोड़ के यहाँ पर फिर से लगा देता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली 4 बेड यहाँ पर रखने की जगह भी हो चुके हैं। पूरे जगह पे मैंने कारपेट को लगा दिया। सो कारपेट लगाने के बाद अब फाइनली हमें थोड़े बहुत फ्लावर लीव्स को लगा देने हैं। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारे मधुमक्खियाँ हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं इन लोगों को। सो फाइनली ऐसे मैंने ट्रैप डोर को क्राफ्ट करने के बाद ट्रैप डोर को फ्लावर के पास मैंने लगा दिया, जो मेरा ट्रेडिंग हॉल है उस जगह पे लगा देता हूँ। इसको मैंने तोड़ के यहाँ पर फिर से लगा देता हूँ। सो फाइनली मेरा जो ट्री मतलब जो ट्रेडिंग हॉल है बनकर रेडी हो चुके हैं। सो फाइनली इस जगह पे मैंने ब्रीन स्टैंड को क्राफ्ट कर लेता हूँ और इसको इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने वाटर बोतल में वाटर भर के इस जगह पे रख देता हूँ और इसको यहाँ पर रख देने के बाद अब मुझे बनाना है शुगर किंग से इसको क्राफ्ट कर लेना है। फाइनली मैं इसको शुगर किंग से क्राफ्ट करने के बाद विलेज रॉड से विलेज पाउडर बना लेता हूँ और इसको एनर्जी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे चाहिए सुपर माने स्पाइडर की जो आई है उसको लेने के बाद आप मुझे ऐसे क्राफ्ट करने के बाद यहाँ पर लगा देना है। और फाइनली जो वाटर है ना बदल चुके हैं, तो देखो इस जगह पे जो इसको दे देना है गन पाउडर को दे देना है। और गन पाउडर को देने के बाद आप देखो फाइनली जो गन पाउडर को देने के बाद यहाँ पर रेड स्टोन को दे देना है। और रेड स्टोन को देने के बाद फाइनली मेरा जो पावर ऑफ विजन कंप्लीट हो चुके हैं और इसको लेकर जाना है और यहाँ पर जो विलेजर है ना विलेजर के ऊपर मार देना है। और विलेजर के ऊपर मार देने के बाद इसको गोल्डन एप्पल खिला देना है, क्योंकि मैंने गोल्डन एप्पल बनाया था। और देखो यहाँ पर एक स्पाइडर आ रहा है, तो उसको मारने के बाद फाइनली इसको भी मैंने
पोषण को मार देता हूँ और यहाँ पर गोल्डन एप्पल को खिला देता हूँ इन लोगों को। सो फाइनली खिला देने के बाद फाइनली देखो मुझे ऊपर जाना है क्योंकि रात भी हो चुका है, नहीं तो जूम भी आकर मुझे मार देगा, ठीक है। सो फाइनली मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर बेड में जाकर सो जाता हूँ। ऑल राइट, फाइनली हम लोग सोने के बाद फिर से उठ जाता हूँ। सो फाइनली हम लोगों का विलेजर भी रेडी हो चुके हैं। नीचे जाकर देखता हूँ मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सास, अब मेरे सपना है कि सबके सपने पूरे करूँ। अरे यार यहाँ पर देखो विलेजर नहीं हो रहा है। सो फाइनली फिर से आने के बाद देखता हूँ भाई इस जगह पे विलेजर भी कन्वर्ट हो चुका है। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे लग रहा है मुझे क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं विलेजर से विलेजर में कन्वर्ट किया था। तो इस जगह पे मैंने काफ़ी सारे रेल स्टोन बनाया था। रेल स्टोन बनाने के बाद देखो इस जगह पे काफ़ी सारे देखो विलेजर सीधा मेरा ट्रेडिंग हॉल में घुस गया। सो फाइनली देखो इस जगह पे काफ़ी सारे मोमची है, इन लोगों से मुझे हानि मिल जाएगी। और फाइनली देखो मेरा जो विलेजर है यहाँ पर आ चुका है और दूसरी विलेजर को भी फाइनली ऐसे करके मैं सीधा मेरा ट्रेडिंग हॉल में ले जाता हूँ। फाइनली ट्रेडिंग हॉल में पहुँच गया उन लोग और देखो कैसा लग रहा है मेरा विलेजर भाई। देखो इस जगह पे एक मोमाछी है भाई, बहुत अच्छे लग रहा है, हनी देगा इन लोग मुझे, तो मैं बतल भर के पी जाऊँगा। मिलते हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन लोग चैनल पे नए हो भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल डाउन हो रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब।